मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? आज राजस्थान का नाम भ्रष्टाचार में नंबर एक पर आ गया। आज महिला उत्पीड़न और महिलाओं के साथ अत्याचार में राजस्थान का नंबर एक पर आ गया। भारत के वीर सपूत राजस्थान के किसान जो हमेशा प्रगतिशील रहे, उनका तिरस्कार करने में राजस्थान की अशोक गहलोत की सरकार नंबर एक पर आकर के खड़ी हो गई। युवाओं के साथ धोखा देने के काम में अशोक गहलोत की सरकार नंबर एक पर आकर के खड़ी हो गई। और धार्मिक तुष्टीकरण में भाई को भाई से लड़ाकर वोट लेने की राजनीति में भी राजस्थान नंबर एक पर आ गया। बोलिए, ये ग्रहण जो लगा है इसको 25 तारीख को इस ग्रहण से निजात दिलाओगे ना? दिलाओगे ना? देखो भाइयों, एक बात याद रख लेना, पीछे आपसे गलती हुई है। क्या गलती हुई है? कि आपने कांग्रेस पार्टी को जिताया। एक बात याद रखना, जहां कांग्रेस है वहां भ्रष्टाचार, जहां कांग्रेस है वहां अत्याचार, जहां कांग्रेस है वहां व्यभिचार, जहां कांग्रेस है वहां आपकी विश्वास का विश्वासघात है, जहां कांग्रेस है वहां लोगों के साथ खिलवाड़ करने का काम तो कांग्रेस करती है, जहां कांग्रेस है वहां लूट है, जहां कांग्रेस है वहां खपला है, जहां कांग्रेस है वहां घोटाला है, ये याद रखना। और जहां भारतीय जनता पार्टी है, जहां कमल है, जहां मोदी जी है, वहां विकास है, वहां तेज गति से आगे चलने का रास्ता है। जहां बीजेपी है वहां महिलाओं का सशक्तिकरण और स्वावलंबन है, जहां बीजेपी है वहां युवाओं के माध्यम से विकसित हिमाचल, विकसित भारत और विकसित राजस्थान का रास्ता है। जहां किसान का अवकाश का हक है वह भारतीय जनता पार्टी जहां है वहां पर। इसलिए विकास, तरक्की, किसान का सम्मान, महिलाओं को स्वावलंबन बनाना, युवाओं का रास्ता दिखाना और चौमुखी विकास करना, यह भारतीय जनता पार्टी का काम है। जब मैं कहता हूं कि कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार, तो कहने के लिए नहीं कहता हूं। आप बताइए, कांग्रेस के टाइम में पंडुप्पी का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए, कांग्रेस के टाइम में हेलीकॉप्टर का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए, कांग्रेस के टाइम में 2G घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए, कांग्रेस के टाइम में कोयला घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए, कांग्रेस के टाइम में चावल घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? ना इन्होंने आकाश छोड़ा, न पानी नीर समुद्र छोड़ा, न पाताल छोड़ा, न धरती छोड़ी, सब जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार किया, ये आप किया। और अशोक गहलोत ने इसने तो वृद्धा पेंशन में भी घोटाला कर दिया, यानी वृद्धाओं को भी नहीं छोड़ा। बोलो, घोटाला किया कि नहीं किया? और मालूम है कितने का किया? 450 करोड़ रुपए। ये छोटा मोटा धंधा नहीं करते, बड़ा धंधा। आप बताइए, अशोक गहलोत के भाई ने सब्सिडी का फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट किया कि नहीं किया? घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, अशोक गहलोत के परिवार ने 11,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट लिया कि नहीं लिया? भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया? ऐसे लोगों को छोड़ना है क्या? 25 तारीख को जवाब दोगे ना? आप बताइए, ये महिला उत्पीड़न में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में राजस्थान नंबर एक पर है कि नहीं है? रेप में नंबर एक पर नहीं है कि नहीं है? प्रतापगढ़ की घटना याद है ना? चूरू की घटना याद है ना? भीलवाड़ा की घटना याद है ना? बाड़मेर की घटना याद है ना? अलवर की घटना याद है ना? और अभी अभी दौसा की घटना याद है ना? ये सब महिलाओं के दृष्टि से मैं बोलता हूं, महिलाओं के सम्मान के लिए
आपको बदला लेना पड़ेगा और 25 तारीख को भैरव राम को भेजना पड़ेगा, कमल खिलाना पड़ेगा। इसके लिए आपको काम आप बोलिए, किसानों के साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? 19,400 किसान की धरती कुर्क हुई कि नहीं हुई? उनके साथ खल हुआ कि नहीं हुआ? मित्रों आप बताइए, धार्मिक उन्माद में नारे राजस्थान की धरती पर लगे कि नहीं? सर्वतन से जुदा लगे कि नहीं लगे? रामनवमी में शोभा यात्रा को रोका गया कि नहीं रोका गया? कांवर यात्रा को रोका गया कि नहीं रोका गया? 300 साल मंदिर पुराना पर मंदिर पर बुलडोजर चला कि नहीं चला? आप बताइए, ऐसी सरकार को रहने का अधिकार है क्या? रहने का अधिकार है क्या? आप बताइए, 5 साल में ये योजना भवन के तहखाने में क्या मिला था? क्या मिला था? सोना। क्या मिला? कितना पैसा मिला? 2,40,00,000। क्या है ये धंधा? मतलब कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, कोई लोगों की चिंता नहीं। ये योजना भवन है या भ्रष्टाचार भवन है? आप बताइए, रीट में भर्ती घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? युवा याद करो, हुआ कि नहीं हुआ? 19 बार पेपर लीक हुए, पर 5 साल में 19 बार। आप बताइए, वन रक्षक की भर्ती में घोटाला हुआ कि नहीं? पुलिस कर्मी में घोटाला हुआ कि नहीं? पटवारी भर्ती में घोटाला हुआ कि नहीं? आप बताइए, इनके रिश्तेदार नौकरी में लगे कि नहीं लगे? अब आप बताइए, ये भ्रष्टाचारी सरकार है कि नहीं? ये सरकार महिलाओं को उत्पीड़न करने वाली सरकार है कि नहीं? ये किसानों को धोखा देने वाली सरकार है कि नहीं? ये युवाओं के साथ विश्वासघात करने वाली सरकार है कि नहीं? ऐसी सरकार को रहने का अधिकार है क्या? तो भैरव राम को भेजना हमारी जिम्मेवारी है, कमल खिलाना हमारी जिम्मेवारी। अब आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, मोदी जी के राज में देश आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? भैया बताओ, मोदी जी के राज में देश आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आज जब दुनिया की सारी अर्थव्यवस्था सारे देशों की लड़खड़ा रही है, चाहे युद्ध हो हमास के साथ इजराइल का, चाहे युद्ध हो यूक्रेन का, चाहे कोरोना हो, सारे दुनिया के देश के अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई है, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में भारत ब्रिटानिया को पिछाड़कर 11 नंबर की अर्थव्यवस्था से आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। और अभी भैरव राम को जिताना, 2024 में मोदी जी की सरकार फिर से लाना, भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा 27-28। 9 साल पहले आपके हाथ में मेड इन चाइना का मोबाइल होता था, 9 साल पहले। आज आपके हाथ में मेड इन इंडिया का मोबाइल है, भारत में बनने लग गया मोबाइल। 9 साल पहले ऑटोमोबाइल की गाड़ियां बाहर से बन करके आती थी, आज सारी गाड़ियां भारत में बनती है और 3रे नंबर की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। इस बात में हम 2रे नंबर पर आकर के खड़े हो गए। बोलो, भारत तरक्की किया कि नहीं किया? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मिला कि नहीं मिला? मालूम है फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि भारत के 13.5 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं, ये फर्क पड़ा। भारत में अति गरीबी 1% से भी कम हो गई। आप बताइए, प्रधानमंत्री जी ने 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना दिया कि नहीं दिया? और 20,00,000 आवास योजना राजस्थान में दिया कि नहीं दिया? और अशोक गहलोत ने 9,00,000 मकान बनने से रोका कि नहीं रोका? अब तुमने 25 तारीख को उसको रोक देना और कमल गिरा देना, भैरव राम को भेज देना, इसकी आपको चिंता करनी। मित्रों आप बताइए, राजस्थान में
ये जो केंद्र सरकार की तरफ से बजट आया भारतमाला प्रोजेक्ट में 4000 आपको 44,000 करोड़ रुपए मिला कि नहीं मिला, 2400 किलोमीटर की सड़क एक्सप्रेसवे बन रही है कि नहीं बन रही है, 11000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़क बनी कि नहीं बनी, आप बताइए, आपको विकास के लिए सड़कों का जाल बिछाने का काम गांव में किया कि नहीं किया। मित्रों, जो हम कर सकते थे, जो भारत सरकार कर सकती थी वो की। आपका रेलवे का बजट 14 गुना बढ़ा दिया गया। आपके यहां आज 75% रेलवे लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई है। अब जरूरत इस बात की है कि गहलोत को हटाओ, कमल खिलाओ और राजस्थान का विकास तीव्र गति से करो। मित्रों, मैं यहां आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अभी तक हम साल का 6000 रुपए दे रहे हैं। आप बहरा राम को भेज दीजिएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रति वर्ष 12000 रुपए हो जाएगी, ये आपको जान। उसी तरीके से ये जो किसानों की जमीनें कुर्क हुई हैं, हम एक कंपनसेशन नीति बनाएंगे और उस कंपनसेशन नीति के तहत किसानों को न्याय दिलाएंगे, इस बात को भी हम तय करेंगे। उसी तरीके से गेहूं पर प्रति क्विंटल एमएसपी के ऊपर 2700 रुपए प्रति क्विंटल हम देंगे। उसी तरीके से सरकारी नौकरी 5 साल के अंदर 2.5 लाख सरकारी नौकरी हम लगाएंगे और बीआईटी मेसरा के तहत ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस के तर्ज पर हम रीजनल मेडिकल इंस्टीट्यूट खोलेंगे और हर डिवीजन में खोलेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तर्ज पर हर डिवीजन में हम एक आईआईटी खोलेंगे और रीजनल आईआईटी खोलेंगे, उसका हम व्यवस्था करेंगे। और उसी के दृष्टि से हेल्थ में 40,000 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे 5 साल के अंदर और 15,000 डॉक्टर लगाएंगे, 20,000 पैरामेडिक्स लगाएंगे, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। महिला सशक्तिकरण के लिए हम हमेशा जो प्रयास करते हैं, इस बार हम प्रयास करेंगे कि सिलेंडर पर, प्रति सिलेंडर पर 450 रुपए का सब्सिडी दिया। बहनों को जो बच्ची पैदा होगी उसको 2 लाख रुपए का हम बॉन्ड देंगे। छठी कक्षा में हम 6000 रुपए साल का देंगे, 8वीं कक्षा में हम 8000 रुपए साल का देंगे, 10वीं कक्षा में हम 12000 रुपए साल का देंगे और जब वह हायर एजुकेशन के लिए बच्ची जाएगी तो 50,000 रुपए उसको साल का देंगे और जब वो 21 साल की हो जाएगी तो 1 लाख रुपए उसके अकाउंट में डालेंगे। और 12वीं कक्षा के बाद मेरिटोरियस बहनों को हम एक फ्री स्कूटी देंगे, ये हम व्यवस्था करेंगे। इसलिए मित्रों, हर दृष्टि से विकास को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करने वाली है। एक बात मैं और बता देता हूं कि जिन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना जल जीवन मिशन में अपनी जेबें भरी हैं और जिन लोगों ने मिड डे मील में भी, बच्चों के मील में भी घपला किया है और जिन लोगों ने माइनिंग में घपला किया है, जिन लोगों ने फर्टिलाइजर में घपला किया है, हम एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पे। तो लोग बोलते हैं के बीच में हमको 4 सभाएं करनी पड़ती हैं, तो मैं आपके साथ ज्यादा न्याय नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी आपसे मैं वायदा लेना चाहता हूं, बोलिए भैरव राम को भेजेंगे।